सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू कहता हूँ। आप सबने मेरी पुरानी वीडियो बहुत अच्छे से देखी है और इंग्लिश की वीडियो में आपको बहुत बेनिफिट मिला होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, तो मैंने उसमें बहुत सी चीज़ें आपको समझाई थी। अब मैं आपको हिंदी की वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये लास्ट ईयर का पेपर है। अच्छा एक बात बता दूँ, बच्चे सोच रहे हैं कि इस बार का पेपर, अरे 2023-24 का पेपर है, लास्ट ईयर का पेपर है। लास्ट ईयर का पेपर का पैटर्न इस साल के पेपर के पैटर्न का बिल्कुल सेम है, तो आपकी काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैं करके दिखाऊंगा आपको पेपर कैसे करना है। सबसे पहले आपका खंड आ आएगा, यहां पर आपको पैसेज दी होगी, पैसेज को पढ़कर आपको एमसीक्यू के आंसर देने हैं। और ये जो पैसेज होगी ना, ये जैसे आप 7वीं क्लास के हो तो 6th क्लास की दी जा रही है आपको। ठीक है, फिर आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर हम क्या 6th क्लास की किताबें पढ़ें? कोई जरूरत नहीं है, पैसेज के रूप में पैसेज पढ़ के आंसर अभी दे दो जो बाद में पढ़ोगे, है ना। देखो अब पैसेज पढ़ते हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुश सो गई थी। पता है ना आपको, चिड़िया के जो अंडे गंदे कर देते हैं और चिड़िया अपने अंडे फोड़ देती है, पता है ना। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोक के आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की छिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में किस मौसम का वर्णन किया गया? आप ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने पढ़ा था गर्मी के दिन थे, तो गर्मी। अब एग्जाम में आप पेपर कैसे दोगे, आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन नंबर 1 डालोगे। ठीक है, 1 का 1 है तो उसका आंसर कौन सा है, ग, तो आप ग लिख के गर्मी इस तरीके से लिख दोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर सेकंड है, सेकंड लिख के क्वेश्चन पढ़िए, दोनों बच्चे किस मौके का इंतजार कर रहे थे, अम्मा जी के सोने का, अम्मा जी के बाहर जाने का, बाबूजी के दफ्तर जाने का, या बाबूजी के घर आने का। देखो ये लिखा ना, मौके का इंतजार कर रहे थे, किसका, अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे, जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, है ना, तो सो गई, तो सोने का इंतजार कर रहे थे, इसलिए सेकंड का आप क्या करोगे, आपका लिख के अम्मा जी के सोने का। मैं सीधा भी बता सकता था आंसर, क्योंकि मैंने इसकी सोल्व कर रखे हैं, इस पर सर्कल लगा रखे हैं, लेकिन मैं समझा रहा हूं। ठीक है, अम्मा जी के सोने का। ठीक है, कैसे करना है एग्जाम में। फिर सेकंड क्वेश्चन आएगा, ये आपकी मतलब काव्यांश से रिलेटेड रहेगा। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली में ही मुझे नदी से बहुत प्यार है। ये कह रहा है काव्यांश में चिड़िया नदी से क्या ले जाती है। देखो, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, तो यहां पर क्या है, जल का मोती। फिर कह रहे काव्यांश में चिड़िया किसका दिल टटोलती है, तो किसका टटोलती है दिल, ये देखो चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, तो ये आएगा नदी का। अब आपको समझ में आ गया ना लिखना कैसे, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 है, यहां पर 4 मार्क्स दिए गए, 4 मार्क्स का है, तो ये कह रहा काली गाय घास चर रही है, वाक्य में विशेषण शब्द है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 7वीं क्लास में हैं, आपके कोर्स में विशेषण और विशेषण के भेद हैं, तो आप इसको अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो काली गाय घास चर रही है, तो यहां पर विशेषण कौन है, गाय की विशेषता क्या है, वो काली है, तो काली आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सर्कल लगाए रखा है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, मैं विद्यालय जाता हूं, वाक्य के अंत में उचित विराम चिन्ह बताइए, तो यहां पर ये पूरी बात कर रहे हैं ना, तो पूर्ण विराम चिन्ह लगेगा। इसका मतलब आपको और कौन सी ग्रामर करनी है, आपको सारे विराम चिन्ह अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, फिर वह जा रहा है, वाक्य में सर्वनाम शब्द बताइए, तो देखो वह जो है ना, वह
सर्वनाम है, इसका मतलब आपको सर्वनाम और सर्वनाम के भेद अच्छे से करने हैं, ठीक है। फिर ये कह रहा है आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, आकाश क्या होता है पाताल, फिर इसका मतलब यह है कि आपको अच्छे से सारे विलोम शब्द कर लेने हैं, बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना ताकि अच्छा स्कोर कर पाओ, आपसे आगे कोई निकल ना पाए। फिर चौथे नंबर पर पैसेज आएगी, फिर पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये आराम से पढ़कर आप कर ही सकते हो, फिर समझा देता हूँ खाली, देखो ये ऐसे है और इसको पढ़ के आप देखो अपने आंसर, फिर मैच कर लेना, आंसर लगा रखे हैं, ठीक है। फिर देखो, फिर आपकी किताब में से ही कठपुतली वाली ये कविता आई है, इसको पढ़कर आपको इनके आंसर देने हैं, ठीक है। ठीक है, आप इसको आराम से खुद करो, फिर अपने आंसर मैच करो। देखो, अगर आपने चैप्टर पढ़ा ना, फिर आप आराम से बता दोगे कि मिठाई वाला कैसा साफा बांधता था, बीकानेरी, अमृतसरी, हिमाचली, कश्मीरी, तो बीकानेरी, ठीक है। जिस बच्चे ने चैप्टर की एक एक लाइन पढ़ी है वही वही आंसर अच्छे से लिख सकता है। फिर देखो ये क्या है क्वेश्चन, इसके आंसर पढ़ो, ये क्वेश्चन है, फिर इसके आंसर है, एमसीक्यू में ही आप देख सकते हो। अब ग्रामर में आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ग्रामर तो मुझे समझानी है। तो देखो ये कह रहा है सर्वनाम का भेद बताओ, मैं तो मैंने आंसर लिखा हुआ है पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। फिर ये बहादुर है ना, बहादुर बच्चों को पुरस्कार मिला, तो बहादुर यहाँ पर कह रहा है विशेषण का भेद बताइए, तो ये गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है, गुणवाचक विशेषण। फिर यहां पर ये कह रहा है काठ कठ शब्द से एक नए शब्द का निर्माण करो, देखो काठ से कठोर बना दिया, ठीक है, कठिनाई बना दिया, ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो। तो देख लो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कोई शब्द लिख देगा और बोलेगा नए शब्द बनाओ, तो आप कठोर बना सकते हो, कठिन बना सकते हो, ठीक है। दवाई शब्द का बहुवचन क्या होगा, दवाइयां होगा, ऐसे लिखना, ऐसे नहीं, वैसे सेम ही लिखा है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये आपकी किताब में से क्वेश्चन आंसर है, इसके एक एक वर्ड के आंसर देने, ये मैंने लिख रखे, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद 10वें क्वेश्चन देख लो, ये भी एक एक नंबर वाले हैं, पढ़ के इनके आंसर देख सकते हो क्या आ रहे हैं। हम पंछी उन्मुख गगन के कविता के अनुसार पंछी कहाँ नहीं रहना चाहते, पिंजरे में नहीं रहना चाहते। हम पंछी उन्मुख गगन के कविता के अनुसार पंछी कौन सा जल पीना चाहते हैं, बहती नदी का जल पीना चाहते हैं। एक बात और बताऊं, ये जो आपकी क्वेश्चन आंसर है ना, तो इनकी कविताएं भी लिखी आ जाती है ऊपर, तो इनके आंसर ऊपर भी मिल जाते हैं, ठीक है। फिर भी आपको पूरा पढ़ा होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है। तो कठपुतली कविता में कठपुतली की क्या इच्छा है, स्वतंत्र होना। कठपुतली कविता के कठपुतली गुस्से में क्यों है, उसके आगे पीछे धागे ही धागे हैं और उसे स्वतंत्रता चाहिए, बना बना के लिख दो, क्या चाहिए उसे, स्वतंत्रता। फिर उसके बाद ये 30 से 40 शब्दों में लिखने, आप देखो क्या आपको ये सारे आंसर अच्छे से आते हैं, क्या आप इनके आंसर अच्छे से दे पा रहे हैं, आप इन सब प्रश्नों के उत्तर अच्छे से कीजिएगा। देखिए उसके बाद ना, यहां पर आप देखेंगे आपको एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में ना एक अनुच्छेद लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है, इन तीनों में से आप एक करेंगे। अब बच्चे बताए क्या करते हैं, बच्चे इनको भी याद करते हैं, बच्चे इनको अब याद मत करो, इसी के बारे में ना आप जितना ज्यादा जानते हैं वो लिखते रहो, जैसे समय का महत्व है। अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और अगर आपको जैसे स्लोगन के रूप में आता है, तो एक लाइन स्लोगन के रूप में भी लिख दो, टीचर के लिए ना वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है, बहुत अच्छे नंबर बच्चा ले पाता है। जैसे किसी बच्चे ने बना दिया कि समय को अगर बचाएंगे तो और ज्यादा भी काम कर पाएंगे, तो कुछ भी आप बना सकते हो। और जैसे समय का महत्व है ना, आप कुछ भी बना बना के लिख दो, जैसे समय हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, समय
पर किया गया कार्य ही जीवन में सफलता प्रदान करता है। इस तरीके से बना बना के लिखते जाओ, और जिनने समय का सदुपयोग किया है वो जीवन में सफल हुआ है। इस तरीके से बना बना के लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। जो लोग समय पर काम नहीं करते उन्हें बाद में पछतावा होता है। इस तरीके से ऐसे अगर आपको ये नहीं करना तो आप ये कर सकते हो, विद्यालय का स्वतंत्रता दिवस समारोह। तो आपने विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस जैसे 15 अगस्त मनाई होगी ना, तो जो जो उसमें देखा आप सब लिख दो कि हमारे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह 14 अगस्त को मनाया गया था। इस दिन बच्चे कई प्रकार की गतिविधियां प्रदर्शित कर रहे थे। अगर शुद्ध हिंदी में नहीं लिखना तो आप सिंपल अपनी लैंग्वेज में लिख दो, लेकिन जितने शुद्ध शब्दों का यूज होता है उतना बेनिफिट मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको 100 से 80 शब्द के आसपास लिखना है, तीनों में से एक करना है। मेरे सपनों का भारत तो आप लिख दो, मेरे सपनों के भारत में सभी लोग शांति से रहें, सब लोग सुखी रहें और सब लोगों को उनके अधिकार मिले, और किसी प्रकार किसी को कोई समस्या ना हो। जो भी अगर समस्या आती है तो उसका हल प्यार से बैठ के निकाला जाए। इस तरीके से बना बना के लिखते रहो। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ना, आपके एग्जाम में प्रार्थना पत्र आएगा, या अपने छोटे भाई को योग या व्यायाम का महत्व देते हुए पत्र, मतलब एक पत्र जरूर आ रहा है आपके एग्जाम में। आप देखो ये जो आ रहे हैं ना, तो आप पैटर्न सीख लो और कोई भी आ जाए आप बना बना के लिख दो। तो इस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। बस इतना ही है आपका सिलेबस, ठीक है? तो जैसे अपनी बहन के विवाह में सम्मिलित होने हेतु अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना ना प्रधानाचार्य को, तो आप ऊपर परीक्षा भवन दिल्ली लिख के, फिर सेवा में प्रधानाचार्य जी गीता कॉलोनी जो भी दिल्ली 31, फिर विषय लिखो, फिर महोदय लिख के फिर स्टार्ट कर दो। इस तरीके से बना बना के एक तरह से निवेदन यह है कि वगैरह वगैरह, और होप ये सबको आता होगा। फिर भी अगर नहीं आता तो आपके टीचर्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे आप कॉन्टेक्ट करके गाइड कर सकते हैं। और बना बना के लिखना सीखो, क्योंकि एग्जाम में जो ना ये सेम आएगा, ठीक है? और आप प्रैक्टिस करके ना ये चेक करा दो अपने टीचर्स को, ताकि वो देख सकें कि आपको कितना अच्छे से आता है। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्कूल की रिगार्डिंग बहुत सारी आपको वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल योर स्टूडेंट्स।